पाश का नाम पाश कैसे हुआ ये कितने लोग जानते हैं? पाश के फादर साहब का ये मानना था कि क्योंकि भगत सिंह से बहुत प्रभावित रहे वो, तो मैक्सिम गोर्की की मदर पड़ी। मदर का कैरेक्टर, उसका एक कैरेक्टर है पाशा। तो अपनी जब पहली कविताएं भेजी, सिर्फ 15 साल के थे, कहीं छपने के लिए भेजी, और मेरे जैसा कोई पंजाबी में तंग एडिटर था, उसने आ की मात्रा काट दी, तो छप गया पाश। बेचारों ने लिखा था पाशा, हुन पाश मशहूर हो गया, तो फिर पाश ही रहा। मैं हुन विदा हुंदा हाँ, मेरी दोस्त मैं हुन विदा हुंदा हाँ। मैं एक कविता लिखनी चाही सी, तू जिसनू सारी उम्र पढ़ती रह सके। उस कविता विच महकदे होए धनिए दा जिक्र होना सी, कमाना दी सरसराहट दा जिक्र होना सी, ते गंदलां दी नाजुक शोखी दा जिक्र होना सी। उस कविता विच वृखां उत्तों चौंदियां धुंदा ते बाल्टी विच चोए दुध ते गौंदियां झग्गां दा जिक्र होना सी, ते जो भी होर मैं तेरे जिस्म विचों तकिया उस सारे कासे दा जिक्र होना सी। उस कविता विच मेरे हत्था उतले रटना ने मुस्कुराना सी, मेरे पट्टा दियां मछलियां ने तैरना सी, मेरे हिक दे वाला दे नरम शाल विच निग दियां लपटां उठनिया सन। उस कविता च तेरे लिए, मेरे लिए ते जिंदगी दे सारे साकां लिए बहुत कुछ होना सी। मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने एक कविता लिखनी चाही थी, सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती। उस कविता में महकते हुए धनिए का जिक्र होना था, ईख की सरसराहट का जिक्र होना था। उस कविता में वृक्षों से टपकती ओस और बाल्टी में दुहे दूध पर गाती झाग का जिक्र होना था। और जो भी कुछ मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा, उस सब कुछ का जिक्र होना था। उस कविता में मेरे हाथों की सख्ती को मुस्कुराना था, मेरी जांघों की मछलियों को तैरना था, और मेरी छाती के बालों की नरम शॉल में से स्निग्धा की लपटें उठनी थी। उस कविता में तेरे लिए, मेरे लिए और ज़िंदगी के सभी रिश्तों के लिए बहुत कुछ होना था। मेरी दोस्त, पर बड़ा ही बेस्वादा है दुनिया दे इस उलझे हुए नक्शे नाल निपटना। ते जे मैं लिख भी दिंदा ओ शगना परी कविता, ता उसने उंझ ही दम तोड़ देना सी, तैनू मैनू छाती उत्ते विलखदा छड़ के। मेरी दोस्त, कविता बहुत ही निसत्ती हो गई है, जद कि हथियारां दे नौ भैड़ी तरह वध आए हन, ते हर तरह दी कविता तो पहला हथियारां दे नाल युद्ध करना जरूरी हो गया है। युद्ध विच हर चीज़ नू बड़ी सौखी तरह समझ लिया जांदा है, अपना जा दुश्मन दा नाम लिखण वांग। ते ऐसे हालत विच मेरे चुम्मन लई वधे होए बुल्लां दी गोलाई नू धरती दे आकार दी उपमा देना, जां तेरे लक दे लहरान नू समुंदर दे सा लैण दी तुलना देना, वड्डा मजाक जिहा लगना सी। सो मैं अजिहा कुछ नहीं कीता। तेरी मेरे वेड़े च बच्चे खिड़ा सकन दी ख्वाहिश नू ते युद्ध दी समुचता नू इको कतार विच खड़ा करना मेरे लिए संभव नहीं हो सकया, ते मैं हुन विदा लेंदा। लेकिन बहुत ही बेस्वाद है दुनिया के इस उलझे हुए नक्शे से निपटना, और यदि मैं लिख भी लेता शगनों से भरी वह कविता, तो वह वैसे ही दम तोड़ देती तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते छोड़कर। मेरी दोस्त, कविता बहुत ही निसत्व हो गई है, जबकि हथियारों के नाखून बुरी तरह बढ़ाए हैं, और अब हर तरह की कविता से पहले
हथियारों के खिलाफ युद्ध करना जरूरी हो गया है। युद्ध में हर चीज को बहुत आसानी से समझ लिया जाता है, अपना या दुश्मन का नाम लिखने की तरह। और इस स्थिति में मेरी तरफ चुंबन के लिए बड़े होठों की गोलाई को धरती के आकार की उपमा देना या तेरी कमर के लहरने की समुद्र की सांस से तुलना करना बड़ा मजाक सा लगता था। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरे आंगन में मेरा बच्चा खिला सकने की तुम्हारी ख्वाहिश को और युद्ध के समूचे पन को एक ही कतार में खड़ा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ। और अब मैं विदा लेता हूं। मेरी दोस्त, आपा याद रखांगे कि दिने लोहार दी भट्टी दे वांग तप्पन वाले अपने पिंड दे टिब्बे रात नूं फुल्लां वांग महक उठते हैं, ते चांदनी च रसे होए टोक ते ढेरां ते लेट के स्वर्ग नूं गाल कढ़ना बड़ा ही संगीतमय हुंदा है। हाँ, ऐ सानूं याद रखना पवेगा क्योंकि जदों दिल दियां जेबां विच कुछ नहीं हुंदा तां याद करना वड्डा ही सुखावा लगता है। मैं इस विदाई दी घड़ी धन्नवाद करना चाहुंदा हाँ ओना सारियां हसीन चीज़ां दा जो साड़ियां मिलनियां ते तंबू वांग तंडियां रहियां ते उना आम थावां दा जो साडे मिलन ते हसीन हो गईयां। मैं धन्नवाद करदा हाँ अपने सिर ते ठहर जान वाली तेरे वल हौली ते गीतां परी हवावां दा जो मेरा चित लाई रखती तेरी उडीक करदियां। आड़ उत्ते उगे हुए रेशमी घा दा जो तेरी रुमकदी हुई तोर दे अगे सदा विच विच गया। टिंडिया चो कीरियां कपाहां दा जिन्हां ने कदे कोई उजर नहीं कीता ते सदा मुस्कुरा के अपने लिए सेज बन गईयां। गन्नियां उत्ते तैनात पिद्दियां दा जिन्हां ने आंदे जांदे दी बिड़क रखी। जवान हुई कणकां दा जो सानू बैठिया ना सही लेटियां तां ढकदियां रहियां। मैं धन्नवाद करदा हाँ सरों दे निक्कियां फुल्लां दा जिन्हां मैनू कई वारी बख्शिया मौका पराग केसर तेरियां जुल्फां चो चाड़न दा। मैं मनुखां बहुत कुछ निक्का निक्का जोड़ के बनिया हाँ ते ओना सारी चीज़ां ले जिन्हां मैनू खिंडर जान तो बचाई रखिया मेरे कोल बहुत शुक्राना है। मेरी दोस्त, हम याद रखेंगे कि दिन में लोहार की भट्टी की तरह तपने वाले अपने गांव के टीले रात को फूलों की तरह महक उठते हैं और चांदनी में पगे हुए ईख के सूखे पत्तों के ढेरों पर लेटकर स्वर्ग को गाली देना बहुत संगीतमय होता है। हाँ, यह हमें याद रखना होगा क्योंकि जब दिल की जेबों में कुछ नहीं होता याद करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस विदाई के पल शुक्रिया करना चाहता हूँ उन सभी हसीन चीज़ों का जो हमारे मिलन पर तंबू की तरह तनती रहीं और उन आम जगहों का जो हमारे मिलने से हसीन हो गईं। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने सिर पर ठहर जाने वाली तेरी हल्की और गीतों भरी हवा का जो मेरा दिल लगाए रखती थी तेरे इंतज़ार में। रास्ते पर उगी हुई रेशमी घास का जो तुम्हारी लरसती चाल के सामने हमेशा बिछ जाता था। टिंडों से उतरी कपास का जिसने कभी भी कोई उज्र ना किया और हमेशा मुस्कुराकर हमारे लिए सेज बन गई। गन्नों पर तैनात पिद्दियों का जिन्होंने आने जाने वाले की भनक रखी। जवान हुई खेत गेहूं की बालियों का जो हम बैठे हुए तो ना सही लेटे हुए तो ढकती रही। मैं शुक्रगुजार हूँ सरसों के नन्हे फूलों का जिन्होंने कई बार मुझे अवसर दिया तेरे केशों से पराग केसर झाड़ने का। मैं इंसान हूँ, बहुत कुछ छोटा छोटा जोड़ कर बना हूँ और उन सभी चीज़ों के लिए जिन्होंने मुझे बिखर जाने से बचाए रखा मेरे पास आभार है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ।
प्यार करना बड़ा ही सहज है, जिवें कि जुल्मा नूं सहारदे होया अपने आप नूं लड़ाई लई तैयार करना, जा जिवें गुप्तवास विच वजी हुई गोली तो किसी छन अंदर पै रह के जख्मां दे भरण वाले दिन की कोई कल्पना करना। प्यार करना ते लड़ सकना, जीन ते ईमान लियाना मेरी दोस्त, यही होंदा है। धुप वांग धरती ते खिंच जाना ते फिर गलवाकड़ी विच सिमट जाना, बारूद वांग भड़क उठना ते चौहा कोटा अंदर गुंज जाना, जीन दा एहो ही सलीका होंदा है। प्यार करना ते जीना उन्हां नूं कदे नहीं आंदा जिन्हां नूं जिंदगी ने बानिए बना दिता। जिस्म दा रिश्ता समझ सकना, खुशी ते नफरत विच कदे भी लीक ना खिंचना, जिंदगी दे फैले हुए आकार ते फिदा होना, सहम नू चीर के मिलना, सहम नू चीर के मिलना ते विदा होना बड़ा ही सूरम गति दा काम हुंदा है। मेरी दोस्त मैं हुन विदा हुंदा। प्यार करना बहुत ही सहज है, जैसे कि जुल्म को झेलते हुए खुद को लड़ाई के लिए तैयार करना, या जैसे गुप्तवास में लगी गोली से किसी गुफा में पड़े रहकर जख्म को भरने के दिन की कोई कल्पना करे। प्यार करना और लड़ सकना, जीने पर ईमान ले आना मेरी दोस्त, यही होता है। धूप की तरह धरती पर खिल जाना और फिर आलिंगन में सिमट जाना, बारूद की तरह भड़क उठना और चारों दिशाओं में गूंज जाना, जीने का यही सलीका होता है। प्यार करना और जीना उन्हें कभी नहीं आएगा जिन्हें जिंदगी ने बनिया बना दिया। जिस्म का रिश्ता समझ सकना, खुशी और नफरत में कभी भी लकीर ना खींचना, जिंदगी के फैले हुए आकार पर फिदा होना, सहम को चीर कर मिलना और विदा होना बड़ी शूरवीरता का काम होता है। मेरी दोस्त मैं अब विदा लेता हूँ। ते आखरी हिस्सा, तू भुल जावी मैं तेनू किस तरह चिमना दे अंदर पाल के जवान कीता, कि मेरिया नजरां ने की कुछ नहीं कीता तेरे नक्शां दी तार बनन च, कि मेरे चुंबना ने किन्ना खूबसूरत कर दिता तेरा चेहरा, कि मेरी जफ्फिया ने तेरा मोम वर्गा पिंडा किंच सांचे च ढालिया। तू ए सारा कुछ भुल जावी मेरी दोस्त, सिवाय इस तो कि मैनू जीन दी बहुत लोचा सी, मैनू जीन दी बहुत लोचा सी कि मैं गले तीकर जिंदगी विच डुबना चाहुंदा सा, मेरे भी हिस्से दा जी लेना मेरी दोस्त, मेरे भी हिस्से दा जी लेना ते मैं हुन विदा हुंदा हाँ, मैं हुन विदा हुंदा। तू भूल जाना मैंने तुम्हें किस तरह पलकों में पाल कर बड़ा किया, कि मेरी नजरों ने क्या कुछ नहीं किया तेरे नक्शे की धार बांधने में, कि मेरे चुंबनों ने कितना खूबसूरत कर दिया तेरा चेहरा, कि मेरे आलिंगनों ने तेरा मोम जैसा बदन कैसे सांचे में ढाला। तू ये सभी भूल जाना मेरी दोस्त, सिवाय इसके कि मुझे जीने की बहुत इच्छा थी, कि मैं गले तक जिंदगी में डूबना चाहता था, मेरे भी हिस्से का जी लेना मेरी दोस्त, मेरे भी हिस्से का जी लेना, मैं अब विदा लेता हूँ, मैं अब विदा लेता हूँ।